नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत में सांख्यिकी का विकास किस प्रकार से हुआ। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सांख्यिकी शब्द है उसकी उत्पत्ति, उसका उद्भव, उसका विकास कैसे हुआ था। आज हम देखेंगे कि भारत में सांख्यिकी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सर्वप्रथम हम देखें तो भारत के प्रसिद्ध सांख्यिक पीसी महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान मतलब कि ISI जिसका पूरा नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना ईस्वी सन 1931 में कोलकाता में की गई थी। ये थे महान वक्ता पीसी महालनोबिस। इन्होंने ईस्वी सन 1931 में क्या किया था, तो ISI मतलब कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी रचना की थी। ईस्वी सन 1941 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम अनुस्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय को प्रारंभ किया था। यह है कोलकाता यूनिवर्सिटी। ये बात तब की है जब 1941 में पीसी महालनोबिस ने अनुस्नातक, देखिए विद्यार्थी मित्रों, स्नातक को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुएशन, जो 3 साल का होता है, और अनुस्नातक उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 2 वर्ष का होता है। तो पीसी महालनोबिस ने क्या किया, कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर उन्होंने अनुस्नातक की डिग्री हासिल की। ये बात थी ईस्वी सन 1941 की। उसके बाद ईस्वी सन 1950 में महालनोबिस के द्वारा प्रस्तुत किए राष्ट्रीय न्यायाधीश जांच को सरकार के द्वारा मान्यता दी गई और सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 में आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले 1941 में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में से अनुस्नातक की डिग्री हासिल की और 1950 में उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे से क्या किया, तो सर्वप्रथम जो सूचना एकत्रीकरण का सोपान था उसका प्रारंभ किया। तो आइए हम दोनों को पहले चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों देख सकते हो, ये है कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अनुस्नातक की डिग्री हासिल की थी 1941 में, और उसके बाद जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर उन्होंने जो प्रथम सूचना का एकत्रीकरण का जो पहलू था उसका प्रारंभ करना उन्होंने शुरू किया ईस्वी सन 1950 में। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों देखे तो उन्होंने अन्य संस्था भारतीय कृषि विषयक सांख्यिकी संशोधन संस्था मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे शॉर्ट में ISRI, उन्होंने उसका भी भारत में सांख्यिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह है हमारा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था, जो चित्र में आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत भी सांख्यिकी का जो विशेष योगदान है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा लेख हमें देखने को मिलता है। अब इसके उपरांत सांख्यिकी विषय का अर्थ, उसका कार्य क्षेत्र एवं मर्यादा पर आधारित सांख्यिकी की 100 उपरांत परिभाषाओं की सूची WF विल्कोस जिन्होंने 1935 में एकत्रित की थी। यह थे महान वेता WF विल्कोस। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सांख्यिकी की परिभाषा थी, सांख्यिकी की जो जानकारी थी, लगभग 100 से भी अधिक इन्होंने 1935 में सब एकत्रित करके रखी थी। उसके बाद क्रॉक्सटन तथा काउडन के मत अनुसार सांख्यिकी की व्याख्या निम्नानुसार है। एक नंबर का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रॉक्सटन और काउडन के मत अनुसार सांख्यिकी अर्थात क्या, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्रॉक्सटन एवं काउडन के मत अनुसार सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण करके मतलब कि उन्हें एकत्रित करके उसे पृथक्करण करके मतलब कि अलग अलग करके एवं अर्थगठन करता है मतलब कि उस पर से निष्कर्ष निकालता है। तो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो जानकारियों को संख्यात्मक रूप में उसको एकत्र करता है, इकट्ठा करता है
उसे अलग अलग करता है, मतलब कि पृथक्करण करता है, और बाद में उसका अर्थघटन मतलब कि उसका निष्कर्ष निकालता है। प्रवर्तमान समय में सांख्यिकी विषय मात्र मात्रावाचक सूचनाओं के लिए ही उपयोग में लिया जाता है, ऐसा नहीं है, परंतु गुणवाचक सूचनाओं के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो जानकारी होती है, हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, केवल ऐसी संख्याओं को नहीं, लेकिन कुछ गुणवाचक, जैसे कि कोई वस्तु कितनी स्वादिष्ट है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, इस प्रकार की गुणवाचक सूचनाओं को भी हम उपयोग में लेते हैं। उसे वैज्ञानिक पद्धति के एक स्वतंत्र भाग स्वरूप गिना जाता है। औद्योगिक सांख्यिकी तथा सांख्यिकी की एक शाखा जिसे कहते हैं कार्यात्मक संशोधन, मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च, का उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मिलिट्री प्रोजेक्ट में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, इस प्रकार से चित्र में दिया गया है, जिसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि कुछ जानकारी को हमें प्राप्त करते हैं, उस पर निष्कर्ष निकालते हैं, उसका अर्थघटन करते हैं, फिर उसका आकलन करते हैं और उसकी निगरानी भी रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन का पूरा मैनेजमेंट बताया गया है, सबसे पहले कि हमें जानकारी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, हमें ऐसी जानकारी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एकत्रित करते हैं, उसके बाद जो जानकारी हमें एकत्रित करते हैं उसे प्राप्त करने की और उसको वापस भेजने की, मतलब कि इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया जो होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानकारी हमने कहाँ से प्राप्त की है, मतलब कि उसका स्रोत क्या है, उसका रिसोर्स क्या है, उसके बाद हम एक ऐसा व्यवस्था तंत्र बनाते हैं जहाँ पे जानकारी को किस प्रकार से हमें कैसे रखनी है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी। उसके बाद हम आयोजन करते हैं कि इस जानकारी का उपयोग कब, कहाँ और कैसे होगा, फिर उसके बाद उस पर हम निगरानी रखते हैं, ओवरसीइंग करते हैं, उस पर कितना कॉस्ट, कितना खर्च हुआ, उसकी हम लागत ज्ञात करते हैं, और उसके बाद अंत में हम उसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मतलब कि कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं हम ऑपरेशन रिसर्च या ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में 1949 में हैदराबाद रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक संशोधन की इकाई अस्तित्व में आई थी। दोस्तों ये बात है ईस्वी सन 1949 की, जहाँ पर यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये है हैदराबाद, हैदराबाद का जो रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर ईस्वी सन 1949 में ऑपरेशन रिसर्च से संबंधित सभी जानकारी को एकत्रित करना, उसका अर्थग्रहण करना, इस प्रकार की जानकारी को यहाँ पर रखा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों अगर हम आगे देखें तो राष्ट्रीय आयोजन एवं जांच के हेतु ईस्वी सन 1953 में ISI कोलकाता में कार्यात्मक संशोधन की पद्धतियों का उपयोग करके PC महलनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ढांचे का निर्माण किया था। तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही, अब हम आगे का टॉपिक आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।